इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। परशुराम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। वत्स परशुराम। मेरा धनुष पिनाक धारण कीजिए, जिसे प्रयोग करने में समस्त संसार में मेरे सिवाय एकमात्र आप ही सक्षम हैं, और जो निकट भविष्य में आपके कर्तव्य निभाने में आपका सहायक होगा। परशुराम जी कौन है और एकमात्र वो ही पिताश्री के धनुष पिनाक को धारण करने में समर्थ क्यों है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्हें पिनाक की सहायता से पूर्ण करना है? असाधारण होंगे वो, और कोई अति विशेष कारण होगा उनके जन्म का, जिन्हें मेरे पिता महादेव स्वयं उनका दिव्य धनुष पिनाक प्रदान करने गए हैं, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए मुझे बताइए माँ, कौन है परशुराम जी? पुत्र, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण ने जिनके रूप में सृष्टि पर अपना छठा अवतार धारण किया है,
ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के पांचवें और असाधारण पुत्र हैं परशुराम। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजेय योद्धा बन गए। राम, अपने अस्त्रों पर ऐसा अद्भुत नियंत्रण पाकर, उन्हें अपनी इच्छाओं का दास बनाकर तुमने युद्ध कला में श्रेष्ठतम कुशलता प्राप्त करने का प्रमाण दिया है। प्रभु, मेरी योग्यता तो आप ही के आशीर्वाद से है। शिष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करा के उसे ज्ञान की उड़ान भरने में समर्थ बनाने का श्रेय तो गुरु को ही जाता है। पुत्र, कठिन परीक्षाओं को पार कर अपने कठोर परिश्रम से गुरु की शिक्षा को सार्थक करने वाला शिष्य ही योग्यता की ऊंची उड़ान भरता है। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। अर्थात माँ, पिताश्री से परशु प्राप्त करने के उपरांत ही ऋषि पुत्र राम श्री परशुराम नाम से विख्यात हो गए। हाँ पुत्र, जो मामा जी श्री हरि नारायण के अवतार हैं, पिताश्री की परम भक्त हैं, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, अद्भुत व्यक्तित्व है जिनका, उनके दर्शन कितने आनंददायक होंगे। माँ, मुझे पूर्व में ज्ञात होता तो मैं भी पिताश्री के साथ उनके परम भक्त और शिष्य से भेंट करने चला जाता, किंतु मुझे बताइए ना माँ, पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ? परशुराम प्रभु के परम भक्त और परम शिष्य होने के साथ महान मातृभक्त भी थे, किंतु एक दिवस नियति ने उनकी मातृभक्ति की कठोर परीक्षा ली। मातृभक्ति की परीक्षा माँ? हाँ पुत्र, परशुराम की माता देवी रेणुका अपने सतीत्व और अपने पति ऋषि जमदग्नि के प्रति अपनी निष्ठा का शेष उदाहरण थी, किंतु उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जब अपने स्वामी के यज्ञ अनुष्ठान के लिए निर्मल जल लाने की आज्ञा वो नहीं निभा सकी, उन्हें जलाशय से लौटने में विलंब ही नहीं हुआ, अपितु वो तो बिना जल लिए ही लौटने पर विवश हो गई। तो देवी रेणुका, आपको इतना विलंब क्यों हुआ जलाशय से लौटने में? और वो जल कहाँ है जो आप लेने गई थी? आप कुशल तो है ना? क्षमा करे स्वामी, मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि देवी रेणुका के साथ क्या हुआ है। Thank you.
क्षण भर के लिए ही सही, किंतु मेरा मन इस दृश्य में कैसे रम गया, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अब जलपात्र के बिना मैं स्वामी की आज्ञा कैसे पूर्ण करूं? अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ कर डाला आपने देवी रेणुका। आपके मन का भटकाव मेरे और मेरे सर्वोच्च कर्तव्य, मेरे यज्ञ अनुष्ठान के प्रति आपकी अनिष्ठा का प्रमाण है। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं सदैव आपके प्रति एक निष्ठ रही हूँ, तन और मन दोनों से इस यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र हूँ मैं। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात कि ये क्षणिक भटकाव कैसे उत्पन्न हुआ मेरे मन में, किंतु स्वामी बस, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे प्रति घोर अपराध किया है आपने। नहीं स्वामी। जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। पुत्रों, रुक्मवान, सुखेत, वासु, विश्वंस, आगे बढ़ो। और तुम्हारे पिता के प्रति अपने निष्ठा भंग करने के दंड स्वरूप मैं इन्हें मृत्यु दंड देता हूँ। वध कर दो अपनी माता का। स्तब्ध क्यों खड़े हो? माता के मोह का बंधन पिता के आदेश के सम्मान से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ो और पिता के आदेश का पालन करो। जड़वत क्यों खड़े हो तुम सभी? पिता की आज्ञा का पालन करने का साहस नहीं है तो तुम्हें सजीव रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी माता मेरी अपराधी है। इसलिए मेरा आदेश है, वध कर दो अपनी माता का। परशुराम जी महान मातृभक्त हैं, फिर उन्होंने अपनी माता का वध क्यों कर दिया? पुत्र, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभाया, किंतु ये दृश्य जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वो भी तुम्हारे समान अविश्वास से स्तब्ध रह गए। पुत्र, पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने? इतने बड़े मातृभक्त होकर अपनी मातृभक्ति क्षण भर में भुला दी। मेरे वचन सुन, निसंकोच वध कर दिया अपनी माता का।
श्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य कठिनाइयां देखकर नहीं निभाया जाता। पिताश्री, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोच्च धर्म है। यही शिक्षा मुझे माँ ने दी थी और यही वेद भी कहते हैं। पिताश्री, मेरे लिए मेरी मातृभक्ति आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति से अधिक नहीं है। अपने कर्तव्य और पिता के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। एक मातृभक्त पुत्र के लिए और एक स्नेही भाई के लिए अपने भ्राताओं और अपनी माता के प्राण से बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, आप इन्हें इनका जीवन लौटाने की कृपा कीजिए। पिताश्री, देवी रेणुका, ये ज्ञात है मुझे आप गंगा के समान पवित्र हैं। यहां जो भी घटित हुआ वो एक परीक्षा थी मेरे द्वारा मेरे पुत्रों के कर्तव्य निष्ठा की, जिसमें राम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। पितृभक्ति और मातृभक्ति में श्रेष्ठतम, कर्तव्य पालन में अडिग, ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करने की तो और भी प्रबल इच्छा हो रही है मुझे माँ। किंतु मैं ये अभी भी नहीं समझ सका कि एक ऋषि पुत्र होकर भी परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। माँ बताइए ना, परशुराम जी को पिनाक धनुष की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो अनुचित अन्यायपूर्ण हिंसा जो तुम्हारे माता पिता और भ्राताओं के साथ हुई है, उसका भान है मुझे। समय आ गया है ऐसे अत्याचारियों को दंड देने का और धर्म का राज्य स्थापित करने का, जिसमें पिनाक तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जिसके विचार से ही आपके मुख पर इतनी पीड़ा छलक आई। पुत्र, परशुराम जी के माता पिता के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जब ऋषिवर द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद अहंकारी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने अचानक ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचकर अपनी संपूर्ण सेना के लिए भोजन की अनुचित मांग की, किंतु अपने द्वार पर आए अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार कर ऋषिवर और देवी रेणुका ने उनका स्वागत किया एवं उनकी पूरी सेना को भरपेट भोजन भी कराया। उत्तम, अति उत्तम। आइए राजन, आइए। दरिद्र ऋषि, हम आश्चर्यचकित हैं कि आपके इस आश्रम के दरिद्रता के इस सागर में ऐसी कौन सी अन्न के भंडार की भरी पूरी गागर फूट पड़ी, जो इतना अनाज उत्पन्न हो गया जिसने हमारी इस विशाल सेना का पेट भर दिया। राजन, देवी कामधेनु की पुत्री कपिला, इन्हीं की सहायता से हम आपका सत्कार करने में सक्षम हो पाए। उन्हीं की कृपा से हम आपके और आपके सैनिकों के समक्ष यह व्यंजन प्रस्तुत कर पाए। अद्भुत, जो इतनी विपन्नता में भी संपन्नता उत्पन्न करते, मुझे ऐसा लगता है महर्षि कि उसका स्थान यहाँ नहीं बल्कि मेरे महल में। ईश्वर, आप मुझे इस दिव्य गाय को सौंप दें। नहीं महाराज, ये संभव नहीं।
ये अनुरोध नहीं था मेरा ऋषिवर, आदेश था मेरा। आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर, और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दें। मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। बंद कर दो इन सब का, इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा धर्म ना कीजिए, मत करिए ऐसा धर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए, ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे। उस निर्दय या धर्मी ने निखड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की निशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है, निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्ती वीर अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है, और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। परशुराम जी क्या करेंगे? स्वामी के धनुष पिनाक की डंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। आ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। ये प्रतिज्ञा लेता हूं, ये
मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है कार्ति वीरार्जुन। सज्जित शस्त्र बुझाए हैं, इनसे कैसे बचोगे तुम? हमारी सहस्त्र बुझाए भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ने की कार्तिक वीर अर्जुन। समय है, अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, परंतु आज तुम्हारा वक्त कर आ
तुम्हारे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। शोध है तू अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिकेय अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संघार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है। क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रति शोक की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं।
आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूँ वो मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं, दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या ये हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं? जो कोई अन्यायी राजा नहीं, स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं। जैसे इस भारी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। परशुराम का गणेश पर प्रहार, ये कैसा संकट है? आवेश और आवेग व्यक्ति से भूल करवा सकता है, इसलिए उस पर नियंत्रण आवश्यक है।